हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यामाहा MT-15 2.0 के बारे में, क्योंकि अब ये ऑफिशियल हो चुका है कि ये बाइक आपको जल्दी ही लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि इस बाइक को 2021 के एंड में इंडियन टू व्हीलर मार्केट में टेस्ट राइडिंग के दौरान स्पोर्ट कर लिया गया था। तो अब जो यामाहा के इनसाइडर्स है, उन्होंने रिवील करा है कि ये बाइक आपको जल्दी ही लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ बाइक के जो स्पेक्स होने वाले हैं, बाइक के जो फीचर्स होने वाले हैं, उनको भी रिवील करा गया है। तो आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि ये बाइक कब होगी लॉन्च, बाइक में कौन कौन से फीचर्स होने वाले हैं, बाइक का क्या प्राइस रखा जाएगा, और सबसे मेन बात यामाहा MT-15 2.0 का क्या डिजाइन होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2022 की ये यामाहा MT-15 2.0 मोस्ट अवेटेड बाइक बन चुकी है। काफी सारे लोग हैं जो इस बाइक के लॉन्च होने का वेट कर रहे हैं और बिना रुके कमेंट्स करे जा रहे हैं यामाहा के इंस्टाग्राम पोस्ट पर कि यामाहा MT-15 2.0 को जल्दी ही लॉन्च करा जाए। तो अगर आप उन्हीं में से एक हो और वेट कर रहे हो MT-15 के लॉन्च होने का, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देख लेना, ताकि आपको दोस्तों जेन्युइन अपडेट्स मिलते रहे यामाहा MT-15 को लेकर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों जो यामाहा MT-15 2.0 है, वो आपको सेम यामाहा R15 V4 की तरह इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हुए देखने को मिलेगी, और इस बाइक को ऑफिशियली लॉन्च करा जाएगा इंडियन मार्केट में, जैसा कि R15 V4 को करा गया था। तो बात कर लेते हैं MT-15 2.0 के बारे में। ये बाइक दोस्तों आपको जल्दी ही लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी, मिनिमम 1 से 2 महीनों में, क्योंकि यामाहा के इंसाइडर ने बोला था MT-15 2.0 जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। और जो बाइक में फीचर्स वगैरह होने वाले हैं, वो आपको सेम देखने को मिलेंगे जो यामाहा R15 V4 में ऐड करे गए हैं। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं सभी फीचर्स के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, और बाइक के इंजन के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंजन से। बाइक में इंजन सेम यूज किया जाएगा जो यामाहा R15 V4 में यूज किया गया है, लेकिन बाइक की पावर में थोड़ा सा ड्रॉप आएगा। फिलहाल में आपको MT-15 में 18.5 bhp की पावर देखने को मिलती है, जो कि MT-15 2.0 में आपको 18.3 से 18.4 bhp की देखने को मिल सकती है। और दोस्तों बात रही बाइक के फीचर्स की, तो फीचर्स में आपको इसमें सबसे पहले 6-speed gearbox मिल जाएंगे, सिंगल चैनल ABS रहने वाला है बाइक में, और MT-15 2.0 में आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिलेगा, राइडिंग मोड्स होने वाले हैं बाइक में, और बाइक के कंसोल को भी चेंज करा जाएगा। और बाइक के सस्पेंशन में आपको इसके फ्रंट पार्ट में गोल्डन UHD फोक्स देखने को मिलेंगे, बाइक के रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्सॉर्बर का यूज किया जाएगा, और बाइक में ऑल LED लाइटनिंग आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो बाइक के इंडिकेटर्स हो, हर जगह आपकी बार आपको यामाहा MT-15 2.0 में LED लाइट्स देखने को मिलेगी। और बात करें बाइक के डायमेंशंस के बारे में, तो बाइक का डायमेंशन सेम रहने वाला है जो फिलहाल में MT-15 का है, वही इस बाइक की दोस्तों सीट हाइट होगी, वही इस बाइक का कर्व वेट होगा, और वही इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बाइक के डिजाइन के बारे में कि आखिर आपको MT-15 2.0 में कैसा डिजाइन मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, MT-15 2.0 में डिजाइन आपको 20-30% नया देखने को मिलेगा। बाइक में नए कलर ऑप्शंस ऐड करे जाएंगे, बाइक में नए ग्राफिक्स ऐड करे जाएंगे, और जो बाइक की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी होने वाली है, उसको भी बेटर करा जाएगा, क्योंकि जो फिलहाल में MT-15 है, उसकी PVC क्वालिटी काफी बेकार थी। तो यहाँ पर यानी कि MT-15 2.0 में उस चीज को सॉल्व करा जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं MT-15 के लॉन्च डेट के बारे में और इस बाइक के प्राइस के बारे में। ये बाइक दोस्तों आपको फरवरी से मार्च के महीने में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी, और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 1,50,000 से 1,60,000 के एक्शन प्राइस पर, जो कि आपको ऑन रोड देखने को मिलेगा 1,70,000 से 1,80,000 के प्राइस पर। तो ये थी दोस्तों आज की एक छोटी सी वीडियो यामाहा MT-15 2.0 के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि आप में से कितने लोग हैं जो इस बाइक के लॉन्च होने का वेट कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है क्या यामाहा MT-15 2.0 में डुअल चैनल ABS आ सकता है या नहीं। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो, आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।